अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिर्ची का सालन बनाने की रेसिपी। काफ़ी सिंपल स्टेप्स में 15 से 20 मिनट में ये सालन बनके तैयार हो जाता है। इसे खास तौर पे बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आप इसे पूरी या पराठे या रोटी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के बराबर सिंगदाना ले लिया है, इसे भून लेना है। सिंगदाना भून जाने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और डाल देना है 1 टेबल स्पून खसखस, इनको भी थोड़ा सा भून लें। और 1/4 कप के बराबर सूखा नारियल मैंने पतले स्लाइसेस में काट कर ले लिया है, उसे डाल दूंगी। अच्छे से इनको रोस्ट कर लें थोड़ा सा और फिर इनको एक ब्लेंडर में ले लें। ब्लेंडर में मैं डाल दूंगी करीब 7 से 8 काजू जिन्हें मैंने भिगो कर रखा था, और अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। काजू यहाँ ऑप्शनल है। मिर्ची का सालन बनाने के लिए मिर्ची आप अपने पसंद से कम तीखी वाली या स्पाइसी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्पाइसी मिर्ची यूज़ की है तो इसीलिए ये ज़्यादा तीखा ना हो सालन। तो काजू का पेस्ट यहाँ पर मिक्स कर देने से इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। ब्लेंडर में सारी चीज़ें अच्छे से पीस लेने के बाद अब फ्राइंग पैन में मैं ले लूँगी 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और यहाँ पर हरे मिर्च को बीच में से थोड़ा सा चीरा लगा लिया है ताकि तलते समय ये चिटके नहीं। और अब इनको हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सुनहरा होने तक। तो मिर्ची फ्राई कर लेने के बाद अब हम सालन बनाएंगे, जिसके लिए बचे हुए तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई और 10 से 12 कड़ी पत्ते डालकर थोड़ा सा भून लें। फिर 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर लिया है, उसे डालकर भून लूँगी। और 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, उसे डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद जब प्याज सुनहरा होने लगे तब मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ पेस्ट। करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर इनको भून ले जब तक कि तेल ना लगने लगे। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया है, उसे डाल दूंगी। टमाटर यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन टमाटर डाल देने से इस करी का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसमें डाल देना है कुछ मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लें। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर खास तौर पे अच्छे से भून जाएगा तो उसका जो रंग है ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रंग कितना खिल गया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप के बराबर पानी। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपको इस करी में चाहिए उतना आप पानी डालें, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और भी चटपटा बनाने के लिए 2 टेबल स्पून के बराबर इमली का जो पेस्ट है उसे डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पर इमली का पल्प आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद फ्राई की हुई मिर्ची यहाँ पर डालनी है, नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, और फिर ढक्कन लगाकर इस करी को करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्ची का सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश कर लें तो जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इस करी में। तो यहाँ पर मिर्ची का सालन तैयार है बिरयानी के साथ सर्व किए जाने के लिए। तो आप इस तरह से झटपट मिर्ची का सालन ज़रूर बनाएं जब भी आप बिरयानी बनाएं। यहाँ पर देखिए बिरयानी के साथ कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिरयानी के साथ और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा, ये देखिए यहाँ पर। तो आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।